हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने पिछले कई सारे वीडियो बनाए हो और समय में हेल्थ से रिलेटेड आपको बता रहा था कीवर्ड्स, तो वो सब वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें और कीवर्ड्स बताइए। तो मैं एक वीडियो और लेकर के आ गया हूँ क्योंकि आप लोग के डिमांड था, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं आपको वीडियो और कीवर्ड्स सब को बता देता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड्स है जो कि अलग रिलेटेड बहुत जो उसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा हाई है, लेकिन दोस्तों यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मैं बताया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो सबसे पहला कीवर्ड्स हमारा है पम्पकिन सीड ऑयल्स। पम्पकिन सीड ऑयल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बारे में आपको बताना है कि पम्पकिन सीड्स ऑयल क्या होते हैं। तो आप इस पर भी वर्क कर सकते हैं ये सब कीवर्ड पे, और आप लोग पहले देख सकते हैं कि सीपीसी कितना, एक बार देख लीजिए सीपीसी। तो सीपीसी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हाई है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम आपको कितना देखने को मिल रहा है इस कीवर्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 के सर्च वॉल्यूम है, क्लिक इतना है, ऑर्गेनिक क्लिक इतना है, सीपीसी इतना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलएसआई कीवर्ड्स बहुत सारे मिल जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी मिल जा रहे हैं। तो इस कीवर्ड पे आपको अगर रैंक करना है तो बहुत ही आसान होगा रैंक करने में, आप लोग बहुत ही जल्दी रैंक कर सकते हैं इस कीवर्ड पे पम्पकिन सीड ऑयल। इसका एक बेनिफिट आपको और बता रहा हूँ कि इस कीवर्ड पे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इस कीवर्ड पे आप एफिलिएट मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड्स बताने से पहले, अभी हमारा कोर्स का ऑफर चल रहा है, तो आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आज का जो नेक्स्ट कीवर्ड्स हमारा है ऑस्टोमेट पेन आफ्टर ईटिंग, यानी कि इसका हिंदी है पेट में खाने के बाद दर्द होता, तो इसका इलाज आपको बताना है वहाँ पे। लेकिन आपको इंग्लिश में बताना है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट का है, जो लोग यूनाइटेड स्टेट का वहाँ पे टारगेट किए हुए हैं उन लोगों के लिए कीवर्ड्स है। इंडिया के लिए भी कीवर्ड्स मैं लाऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 18 के है, क्लिक कितना है, और सीपीसी आप लोग देख सकते हैं कितना देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि सीपीसी बहुत ही हाई है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट वगैरह का सीपीसी बहुत ही हाई रहता है इंडिया के मुताबिक। तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ इस कीवर्ड को भी रैंक करवा देते तो आराम से वहाँ पे आराम से 100 से 200 डॉलर आराम से निकाल सकते हैं सिर्फ एक कीवर्ड से, यानी कि एक कीवर्ड्स आपका ज़िंदगी बदल सकती है, एक कीवर्ड्स, मात्र एक कीवर्ड्स। आप लोग प्रीतम नगराले सर का वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे, तो कि कीवर्ड्स पे वहाँ पे केस स्टडी लाए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड्स है वो है यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू लॉन्ग कैन यू लिव विदाउट फूड, यानी कि आपको बताना है, यह कीवर्ड देख के मुझे हंसी लग रही है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप लोग बिना खाए पिए कितना दिन जिंदा रह सकते हैं, कितना दिन रह सकते हैं, इस कीवर्ड पे आपको बताना है। तो इस कीवर्ड पे आपको बताना, लेकिन यह एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है यहाँ पे, और इस पे आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है इस कीवर्ड पे, और यहाँ पे आपको सीपीसी भी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है इस कीवर्ड पे। तो आप लोग वर्क कर सकते हैं इस कीवर्ड पे, बहुत ही अच्छा है, इसमें पोटेंशियल आपको देखने को मेरे हिसाब से मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे वर्क कीजिएगा तो डेफिनेटली आप लोग रैंक कर जाइएगा इस कीवर्ड पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वह है हाउ टू स्टॉप कॉजिंग, या काउजिंग क्या होता है तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन यह एक कीवर्ड मुझे मिला और इसका देखा कि इसका बहुत ही अच्छा था। तो आप इस पर आप लोग पहले रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे वर्क कीजिएगा इस कीवर्ड पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक अच्छा है, सीपीसी भी तो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा होम लैंग्वेज यूज़ कर लेता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आदत सी पड़ गई है, और मेरा भी न्यू यूट्यूब चैनल है, तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स आइडिया में ये सब जो कीवर्ड्स है यहाँ पे एलएसआई के अंतर्गत एलएसआई में आती है ये सब कीवर्ड, ये सब कीवर्ड के माध्यम से भी आप लोग रैंक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
तो दोस्तों जो ये सब कीवर्ड्स होते हैं ना, ये सब बहुत ही डिमांडेबल कीवर्ड्स होते हैं और इसमें आपको बहुत, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ मात्र दो बैकलिंक पर रैंक है, लेकिन DR इसका बहुत ही हाई है। तो आप लोगों को तो वर्क तो करना पड़ेगा दोस्तों, वर्क के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। आज का हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड्स है वो आप देख सकते हैं, मेटल टेस्ट इन माउथ, यानी मेटल टेस्ट इन माउथ कैसे किया जाता है इसको आपको डिटेल में बताना है। मेटल टेस्ट इन माउथ ड नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग ग्रामरली में जाइएगा इसको लगाइएगा तो यहाँ पे ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मेरा ग्रामरली इंस्टॉल है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, तो ड नहीं लगाना है क्योंकि कीवर्ड्स फिर आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस पर भी वर्क कर सकते हैं, यह कीवर्ड्स भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे दिखा देता हूँ LSI कीवर्ड्स वगैरह, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं CPC बहुत ही अच्छा है, क्लिक भी अच्छा है, सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सब medicinenet.com, यहाँ पे सॉरी, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकलिंक वगैरह जितना सारा है यहाँ पे। सिर्फ एक मिनट दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस कीवर्ड पे आप लोग आसानी से रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 DR वाले वेबसाइट रैंक है, तो आप लोग तो वर्क कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा DR वाले जो बैकलिंक डोमेन है वो लोगों को बीट करके यह बेचारा यहाँ पे, जो भी भाई है बहुत मेहनत किए होंगे लेकिन 0 बैकलिंक है, इनका कंटेंट अच्छा होगा इसलिए इतना रैंक कर गए इस कीवर्ड पे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड्स है वो है वाटर लिगम्स। यार लिगम्स क्या होता है तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन इस पे CPC थोड़ा सा अच्छा ही है मेरे हिसाब से, और सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, क्लिक भी अच्छा है, और ऑर्गेनिक क्लिक आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। इस कीवर्ड पे भी आप काम कर सकते हैं अगर न्यू वेबसाइट आपका है तो। और यहाँ पे देख सकते हैं सब LSI कीवर्ड्स, आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं स्टॉप रहता हूँ एक मिनट। हाँ उम्मीद है देख लिए होंगे आप लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है, ये सब बैकलिंक यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब कीवर्ड पे भी आप लोग जो रैंक है 5 बैकलिंक 1 बैकलिंक, ये सब पे आप वर्क कीजिए और अच्छा से यहाँ पे आप लोग वो काम कीजिए, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इस कीवर्ड पे भी। तो आप हमें कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट कीवर्ड में किस चीज़ पर बनाऊँ, ताकि आप सभी को भी सुविधा हो हमारे ओर से जानने में, अब हमें भी सुविधा मिले कि हाँ हमारे व्यूअर्स जो हैं क्या चाहते हैं। तो अगर आप, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब कीवर्ड को आप रैंक कैसे करवाइएगा, क्योंकि मैंने पहले बोल चुका था कि मैं बताऊँगा कि इसका इस कीवर्ड पे रैंक कैसे करवाना है दोस्तों। नो मैटर कि आप लोगों को कितना यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है और कितना क्या, आप लोगों को वो सब नहीं देखना है, आप लोगों के बस सिर्फ 3000 से लेकर के 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, और वहाँ पे आपको LSI का प्रॉपर यूज करना है, प्रॉपर ध्यान देना है, वो सब पर भी वर्क कीजिए आप लोग, और वहाँ पे लिखिए, उसके बाद SEO कीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा बैकलिंक भी बना लीजिए 2-3, क्योंकि मैंने जितना कीवर्ड बताया है उसमें आप लोगों को बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग बना लीजिए और उसको रैंक करवाइए, और जो जो कीवर्ड्स में आपको एफिलिएट लगता है वो एफिलिएट भी वहाँ पे कीजिएगा, तो आप लोग को डबल फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद आप लोग अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने किया था वो गलती आप लोग से नहीं हो, तो आप लोग, मैं वो कोर्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ हूं, तो आप लोग उससे भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।